अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ तारिक रोड। तारिक रोड के बाहर जो प्लॉट्स लगे हुए होते हैं, आप इनको पता रहे कह लें, ये राबी सेंटर के बाहर होते हैं। वहाँ की मैं वीडियो दिखाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको हैंड बैग्स मिल जाएंगे, क्लच मिल जाएंगे, जूते मिल जाएंगे, चप्पलें मिल जाएंगी। बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अभी बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में आपको भाई चीज़ें मिलती हैं। ये सब आपको फर्स्ट कॉपी मिलेंगी। किसी के पास आपको लोकल स्टाइल की चीज़ें मिल जाएंगी तो आप देख के चीज़ परचेज करें। इसके अलावा प्राइस तो बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि इस तरह मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मेरी मिल सके। राबी सेंटर के बाहर ये स्टॉल पे काफ़ी आपको ब्रांड्स के बैग मिल जाएंगे। सब ये फर्स्ट कॉपी थी, मगर क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आपको एक से दो कलर हर बैग में अवेलेबल मिलेंगे और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल थे। 1600 रुपये का ये बैग था। वहाँ पे जितने भी बैग थे सब 1600 की रेंज के ही थे। आप कोई भी बैग परचेज़ कर सकते हैं, वो छोटा बैग हो या बड़ा बैग हो, आपको जस्ट 1600 रुपीज़ में ही मिलेगा। क्वालिटी भी नॉर्मल थी, ना कोई हाई क्वालिटी थी ना ज़्यादा बहुत लो थी, बस नॉर्मल क्वालिटी थी। अलावा पे जितने भी स्टॉल्स थे आपको सब स्टॉल्स पर सेम क्वालिटी मिलेगी। सब स्टॉल्स वाले अपनी अपनी कीमतों में सेल आउट कर रहे थे। कोई 1600 में कर रहा था, कोई 1700 में, कोई 1800 में। अगर आप अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं तो आप 1400 से लेकर 1500 में ये पर्स परचेज कर सकते हैं। इनके स्टॉल्स पर आपको बहुत सारे न्यू डिज़ाइन भी मिल जाएंगे। जैसे ही कोई न्यू ब्रांड का आता है तो इनके पास कॉपी अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि तारिक रोड, बाजाराबाद, गल्फ, इन बाज़ार में आपको फर्स्ट कॉपी जल्दी मिल जाती है। और बाकी जो दूसरी मार्केट्स होती हैं, जैसे अल्लाह वाला मार्केट है, जामा क्लाथ है, और भी जो दूसरे बाज़ार हैं, वहाँ पर आपको थोड़ी फर्स्ट कापी थोड़ा लेट मिलती है, मगर वहाँ के प्राइस और यहाँ के प्राइस में बहुत डिफरेंट होता है। जामा क्लाथ में यही वाले बैग्स आपको मिल जाएंगे 1200 और 1300 की रेंज में, मगर थोड़ा इलाका वाइज भी डिफरेंट होता है। ये तारिक होते हैं और वो जामा क्ला, तो इस वजह से राबी सेंटर में एंटर करते ही छोटा सा स्टॉल लगा के बैठे हुए थे अंकल। इनके पास बहुत किस्म के पकोड़े मिल जाएंगे, एम्ब्रॉयडरी वाले मिल जाएंगे, सिक्वेंस वर्क के मिल जाएंगे, सिंपल मिल जाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी में भी थे। क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी थी और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल थे। 450 रुपीज़ में कोई भी पुसा परचेज कर सकते हैं और इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी हुई हुई थी, कहीं से कोई धागा वगैरह नहीं निकल रहा था। सिक्वेंस वर्क का काम भी बहुत अच्छा आया हुआ था। इस तरह की मैंने खुद से और भी मार्केट्स वगैरह में देखे हैं, मगर जो इनके पास डिज़ाइन थे वो मैंने कहीं नहीं देखे। इनके खुद अपने डिज़ाइन बनाए हुए थे। उन्होंने बताया कि काफ़ी डिज़ाइन जो थे इनके अपने डिज़ाइन है, वो कहीं भी इनको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, जस्ट आपको इन अंकल के पास से मिलेंगे। दो से तीन कलर आपको हर डिज़ाइन में मिल जाएंगे। इनके पास हर कलर अवेलेबल था और मेहंदी माइयों के लिहाज से तो काफ़ी कलर्स इनके पास थे। ऑरेंज कलर मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, पर्पल मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा। मगर जो मुझे सबसे अच्छा इनके पास लगे, जो सिंपल लेदर स्टाइल के बने हुए थे, वो बहुत खूबसूरत थे और उनके प्राइस भी सेम थे, 450 रुपीज़। गोल्डन कलर में भी आपको काफ़ी खुद से अवेलेबल मिल जाएंगे और इसमें भी काफ़ी डिज़ाइन थे, सिक्वेंस वर्क थे, किसी में पल्स का काम हुआ हुआ था, भी बहुत खूबसूरत थे। इनके प्राइस भी थे जस्ट 450 रुपीज़। आज की वीडियो में अपनी यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।